नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिएटिन के उन 5 बेनिफिट्स के बारे में कि जब हम क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो आते हैं और क्रिएटिन लेने से हमें जो है क्या क्या जो है चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर के लिए अपना समय बर्बाद ना करते सीधे अपने वीडियो बात करें। पहले पॉइंट की मैं आपको बताऊं दोस्तों, क्रिएटिन कोई जो है स्टेरॉइड नहीं है, क्रिएटिन नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी खुद से बनाती है, लेकिन वो काफ़ी कम अमाउंट में बनाने की वजह से हमें जो है अलग से अपनी बॉडी में सप्लीमेंट करते हैं। क्रिएटिन लेना जब आप शुरू करोगे तो आपको कम से कम 30 दिन तक क्रिएटिन को जब आप 3 से 5 ग्राम की डोसेज लोगे तभी अपनी बॉडी में जो है लोडिंग हो पाएगा, उसके बाद आपको जिसके रिजल्ट देखना शुरू मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज लेना शुरू किया था वो कल रिजल्ट देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। एक 30 दिन बाद जब आपके नॉर्मल डोसेज चला लोगे उसके बाद आपको क्रिएटिन के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो है अच्छी कंपनी का क्रिएटिन। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप क्रिएटिन लेने की सोचें या आप सोचें कि मुझे क्रिएटिन लेना है तो आप कंपनी अच्छी देखकर ही क्रिएटिन को ले। ऐसा नहीं है कि आप कम प्राइस के चक्कर में सस्ता क्रिएटिन उठा लें या आपका सप्लीमेंट शॉप से उठा लें या फिर आपका ट्रेनर आपको दे दे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक अच्छी कंपनी का जो क्रिएटिन लेना है, क्रिएटिन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आते हैं, 500-600 रुपये का क्रिएटिन आपको 1 से 2 मंथ आसानी से चल जाएगा। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो है कंपाउंड एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको क्रिएटिन के अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो आपको अपने वर्कआउट में कंपाउंड एक्सरसाइज को ऐड करना होगा, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ फास्ट कर देती है और हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाती है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे आपको बता दूँ, स्क्वाट्स हुई, डेडलिफ्ट हुई, ये सब कंपाउंड एक्सरसाइज है जो आपको अपने वर्कआउट में ऐड करनी है। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा इनटेक वाटर। दोस्तों आपको अपना वाटर इनटेक जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के पानी पीना है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मिथ फैला रखा है। आपको करना क्या है, जब भी आप क्रिएटिन यूज कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली जितनी आपको पूरे दिन में प्यास लगती है उतनी बार आपको पानी पीना है। ऐसा नहीं कि आपको बॉडी की पानी की डिमांड है और आप पानी नहीं पी रहे हैं, और ना ही अपन को ऐसा करना है कि पानी को बहुत ज़्यादा पीना है। जब हमारी बॉडी पानी को मांगेगी तो हमको अपनी बॉडी को पानी देना है, यानी कि अब जो नेचुरल पानी हम जो पी रहे थे उससे हमें थोड़ा बहुत पानी को ज़्यादा अपनी बॉडी में पीना पड़ेगा, जैसे कि हमारी क्रिएटिन जो है अच्छा रिजल्ट्स हमारी बॉडी में हमारे प्रेफर कर पाएगा। आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, आखिरी पॉइंट है नेचुरल मसल्स। जी हाँ दोस्तों, क्रिएटिन को लेने से आपके कोई भी मसल्स ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आप फूल जाओगे या आप काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। नेचुरल मसल्स गेन होता है क्रिएटिन से। क्रिएटिन आपको एकदम से रिजल्ट नहीं देगा, 1 महीने जब आप इसकी लोडिंग कर लोगे उसके बाद क्रिएटिन के रिजल्ट आपको दिखना शुरू होंगे, और वो रिजल्ट ऐसे होंगे कि अगर कुछ समय बाद आप क्रिएटिन बंद भी करते हो तो वो रिजल्ट आपके लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे, क्योंकि वो रिजल्ट एक मस्कुलरिटी में होंगे जो आपके लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे। कोई भी जो है फैट आपकी बॉडी में ऐसा नहीं आएगा जो जब क्रिएटिन बंद करें तो आपकी बॉडी से डाउन हो जाए। दोस्तों ये थे 5 पॉइंट क्रिएटिन के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक किया मत जाना। मिलते अपने।